तो जेएमएम और कांग्रेस के कार्यालयों में जहां सन्नाटा पसरा रहा, वहीं इस जीत के बाद तीन राज्यों में जीत के बाद बीजेपी खेमा जश्न मनाता हुआ नजर आया। कई जगहों से जश्न की तस्वीरें आई। पूरे झारखंड भर के अलग अलग जिलों में बीजेपी कार्यालयों में जश्न मनाया गया, तो विधायक और सांसदों के कार्यालयों में भी जश्न मनाया गया, वहां से भी जश्न की तस्वीरें आ रही। इस जीत से बीजेपी बेहद गदगद और बहुत उत्साहित, साथ ही लोकसभा चुनाव में भी जीत की उम्मीद बीजेपी कर रही है। हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा का रुख करते हैं। करिश्मा, ये बड़ी जीत है, चार राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाए हैं और तीन राज्यों पर बीजेपी ने कब्जा किया है, दो राज्यों से बीजेपी ने कांग्रेस को हटाया है, तो ये बड़ी जीत है और आने वाले लोकसभा चुनाव में इस जीत का फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह के रिएक्शन बीजेपी खेमे से मिल रहे थे? जी आसिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जब परिणाम सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता है वो काफ़ी गदगद थे, क्योंकि उनका कहना था कि हमें पहले से पता था कि जिस उद्देश्य के साथ हम लोग जनता के बीच गए हैं, जनता अब सब समझ रही है, जनता जानती है कि जनता को किसको वोट देना है। लेकिन दूसरी ओर जो छत्तीसगढ़ के बारे में लगातार कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं जीत को लेकर आश्वस्त थी, कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, लेकिन जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे थे वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि हमें पता था राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, तीनों में ही भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के कई नेताओं से जब हमने बातचीत की दो दिन पहले आसिया, तब उनका कहना था कि लगभग सभी राज्यों में, यानी कि पांच राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें चार राज्यों में कांग्रेस जो है वो सरकार बनाएगी। लेकिन आज जब परिणाम सामने आए तब कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि तेलंगाना में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और कहीं ना कहीं जो चूक हुई है उसको सुधारने की जरूरत है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो जश्न मना रहे थे, ढोल नगाड़े की थाप से नाचते गाते हुए नजर आ रहे थे। और इससे पहले भी जब रुझान सामने आ रहे थे ठीक उस वक्त भी कई ऐसे स्टेट है वहां पर, जैसे जयपुर का जो बीजेपी कार्यालय है या फिर अन्य जो स्टेट के बीजेपी कार्यालय है वहां पर जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे। और अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसको भी लेकर जो राज्यसभा सांसद है दीपक प्रकाश, उन्होंने भी मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा है कि झारखंड राज्य में 14 लोकसभा सीटें हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी 14 के 14 लोकसभा सीटों में अच्छा प्रदर्शन करेगी और भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। तो कह सकते हैं एक सेमीफाइनल के रूप में सभी राजनीति दल जो है इसको ले रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो जिस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जनता अब सब कुछ समझ गई है। लेकिन देखिए, कल जिस तरीके से लगातार हम तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो रिएक्शन है वो लोगों के आने शुरू हो गए हैं, एक और जहां भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि लगभग 3 से 4 स्टेट में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। लेकिन देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और ऐसे में कांग्रेस जो है इसको लेकर काफी कॉन्फिडेंट थी कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। लेकिन आज जो रुझान आया, जो परिणाम आया, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो यहाँ पर बोलती हुई नजर आ रही है कि जो चूक ये उसे हम सुधारेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन देखिए, जो एग्जिट पोल आ रहे थे आसिया, एग्जिट पोल से बिल्कुल विपरीत जो है यहां पर परिणाम आए हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल बता रहा था, जो समझाने की कोशिश दर्शकों को की जा रही थी, उससे बिल्कुल ऑपोजिट यहां पर परिणाम आए। इसको भी लेकर जब हमने भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से पूछा कि एग्जिट पोल से बिल्कुल विपरीत जो है यहां पर रिजल्ट है वो आ रहे, तो उनका कहना था कि ये मुमकिन है सिर्फ मोदी राज में। तो कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार नरेंद्र मोदी के जयकारे भी लगाते हुए नजर आ रहे थे। अब तो बीजेपी का भी ये मानना है कि मोदी फैक्टर ने काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा।